2000 years later. ये पौधे हैं जो बिल्कुल सूख चुके हैं। देखो भाई, इतना सामान दे के मैं हरियाणा गई थी अपना। समझ रहे हो ना? किचन, मिट्टी, हाय। अभी मेरी क्या हालत होने वाली है मुझे नहीं मालूम, ये सब सफाई करने में। ओहो, इतना गंदा। One eternity late. Hello friends. तो फाइनली मैंने 10 दिन बाद अपना थोड़ा सा साफ किया है, क्योंकि आप बता सकते थे दिमाग को कितना गंदा था और कैसा था। सत्यानाश हो गया पूरे घर का, फिर सूख चुके हैं, इतना गंदा है। Several days later. पक्का होम स्वीट होम। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नई नई। Oh my God! Wow! दिन में ढलते हैं। ये हमारा डॉगी है। देखिए फोटो। केरला में घूमने गई थी, बैंकॉक। वाह 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 वाह। अभी ज्यादा सामान नहीं रख सकते क्योंकि डॉगी हमारे घर काम हमारे ऐसे डॉगी काफी सारे आते हैं, तो डॉगी सब चीज को चबा जाते हैं। व्यू, नाइस व्यू। वाह क्या सीन है। ये है मेरी बालकनी और ये है मेरा झूला, जहाँ मैं रोज शाम को थोड़ा थोड़ा झूल लेती हूँ, क्योंकि मुझे झूले बहुत ज़्यादा इतना पसंद है ना। चाहते हैं, इतना चाहते हैं, कितना चाहते हैं, क्या बताएं। सीना चीर के दिखाएं बजरंग बली जैसा, हद से ज़्यादा। तो मेरा किचन दिखाती हूँ, काफ़ी सारे बर्तन है मांजने के लिए, लेकिन अभी इस टाइम तो काम वाली नहीं है, और मेरे को काम वाली मिली भी नहीं थी। ये सारी क्लीन हमने खुद की है। काम वाली तो मुझे 2 दिन पहले मिली है, उससे पहले सारी सफाई खुद से की है। इतना ये है मेरा किचन, अन्नपूर्णा माय किचन। तो अब मैं आपको दर्शन कराऊंगी माय लव, मेरे गणपति जी, जिनसे मैं करती हूँ प्यार, और मेरे सब कुछ यही हैं। मेरे जो भी कुछ हैं ये मेरे भगवान जी, बस मंदिर। तो कम सेकंड लव, मेरा डांस, मेरा बटन, जो बड़ी मेहनत के बाद मुझे मिला है। इसके लिए मैंने अपने दिल जान से मेहनत की है, वो मैं ही जानती हूँ, कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि दिल की फीलिंग है। तो आज मैं आपको बताती हूँ ये रूम किसका है। ये मेरे बच्चों का रूम। मुझे यहाँ ब्लैक ब्लैक ही मिलेगा, ब्लैक पर्दे, ब्लैक सीनरी और ब्लैक कबर्ड। प्यारा रूम, जिसके बिना ना मुझे नींद आती ना चैन, मैं कहीं नहीं सो सकती। जहाँ भी जाऊंगी अपने घर पे जाके सोऊंगी, और वो भी पूरी अकेली। हेलो फ्रेंड्स, तो ये मेरी सफाइयाँ चालू हैं, देखो क्या हाल हो गया मेरा। वाह क्या सीन है। तो ये है मेरा रूम, होम स्वीट होम। और यहाँ आपको सब कुछ वाइट ही वाइट मिलेगा, क्योंकि मैंने 2 साल ब्रह्म कुमारी ज्वाइन किया था और मैं मेडिटेशन में करती थी, तो वाइट शांति का प्रतीक होता है, कि इससे अपना मन शांत, सुबह जब उठ के देखते हैं सब कुछ शांत शांत लगता है। तो ये है मेरी बालकनी।
रही हूँ और व्यू आपको दिखा देती हूँ। सो नाइस। पांच मिनट भी यहाँ पे खड़े होकर देखते हैं तो बस सुकून आ जाता है कि हाँ कुछ किया है मैंने लाइफ में। और ये घर घर नहीं है, ये मेरा सपना है जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। और जब यहाँ पे झूले पे बैठती हूँ और मैंने अपना सपना पूरा किया है, मेहनत किया है और मेहनत करती रहूंगी इतनी ही लगन से, चाहे कोई कुछ बोले नहीं बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ मेरे चाहने वाले इतने हैं लोग कि जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, जिनकी वजह से आज मैं हूँ, मेरा नाम है कि मैंने कुछ कर लिया है और उसका सबूत ये मेरा बटन है कि हाँ कि चलो कि मैंने कुछ किया है। जो इस घर का सत्यानाश हुआ पड़ा था आज मैंने इसको थोड़ा सा घर बनाने की कोशिश की है। अभी काफ़ी कुछ बाकी है लेकिन नहीं अभी कर सकते क्योंकि हमारे पेट आज ही गए फाइनली यहाँ पे। अभी पांच पेट थे मेरे पास, फाइव, तो आज ही खाली हुआ है घर थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि आज मैं वीडियो बनाती हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। होम स्वीट होम कैसा लगा कि आपको काम मुझे बताना, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ, नया नया सीख रही हूँ आप लोगों की वजह से कि YouTube पे आपको इंटरटेन कर सकूँ, आपको प्यार दे सकूँ और अपने बारे में बता सकूँ कि आई एम सोनिया रहेजा और मुझे गर्व है मेरे नाम पे, मेरे काम पे, मेरी हर चीज़ पे। तो थैंक यू सो मच गाइज, आई लव यू। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।